एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपीटीटी प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही सत्तारूढ़ दल पर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बार बार उठाने का भी आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जिन्ना और पाकिस्तान से इतना प्यार करती है, जहां हम किसानों के लिए गन्ना गन्ना कह रहे हैं वहां बीजेपी और आरएसएस जिन्ना जिन्ना कह रही है। हमने 75 साल पहले जिन्ना को खार फेंका है और उन्हें फेंक दिया है। चलिए, बीजेपी नेता संदीप द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद संदीप जी। जिस तरह से कल यूपीटीटी का पेपर लीक हुआ है, विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है बीजेपी पर। ओवैसी ने अब कल बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कहा है कि युवाओं के साथ तो और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं। जिस ओवैसी की नजर में उनके धार्मिक भड़काऊ बयान होते हैं, उनकी वजह से जब युवा आतंकवादी बनते हैं उसको तो उनको सब नहीं बोल पाते, तो सरकार पर कह रहे हैं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे इतना ही अगर युवाओं की चिंता करते हैं तो जरा उन कट्टरपंथियों के खिलाफ बोल के दिखा दो जो खुल के जम्मू कश्मीर में 70 साल से युवाओं को आतंकवादी बना रहे थे, उनके हाथों से बंदूक छीन के और उनके हाथों में किताब और कंप्यूटर पकड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी। बाकी वैसी है कि राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें भी पता है कि धार्मिक उन्माद भड़का के भड़काऊ आपको देखे उनकी राजनीतिक विषाद बची हुई है, तो उस तरह की बयानबाजी करेंगे। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, ओवैसी की बात को तो आप कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी वो करेंगे, लेकिन आपसे मैं एक जानना चाहूंगी, कल जिस तरह से यूपीटीटी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया परीक्षा होने से पहले ही, वो तो गलत था ना? नहीं देखिए, मुझे लगता है उसमें अपना अपना देखने का नजरिया है। गलत वो था या गलत वो था जब मतलब यूपीटेक के अभ्यर्थी बेचारे जो पूरे साल मेहनत करते थे उनकी मेहनत से पानी फेंक दिया जाता था, नगर से मुलायम सिंह जी ने परिवार बना के निकालता था, वहां सिलेक्ट हो जाते थे। यहाँ देखिए, जो काबिल है जो योग है उसको मौका दिया जाना चाहिए, ना कि जिसने पेपर लीक करवा के और कहीं ना कहीं सिस्टम को गड़बड़ करने की कोशिश की है उसको यहाँ योग्यता को कहीं ना कहीं सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। सरकार ने वही प्रयास किया है। और देखिए, ये वो सरकार नहीं है कि आज पेपर लीक की बात को आप छिपा के और पेपर हो जाने तो बाद में फिर कोर्ट रोक लगाए तो बेचारे अभ्यर्थी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज कमीशन ने डिसीजन लिया है सरकार ने कि गलत प्रवृत्ति के लोगों को के ऊपर नकेल करके जिससे कि दोबारा तरह की घटनाएं ना हो, जिन्होंने पेपर लीक किया है जिन्होंने पेपर खरीदा है कम से कम दोबारा तो उस घटनाएं नहीं करेंगे, इसलिए सब जरूरी है। और थोड़ा सा देखो परेशानी होती है, लेकिन नहीं संदीप जी, संदीप जी इसे थोड़ी सी परेशानी कैसे कह सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार ये कहते नजर आते हैं कि नकल परीक्षा में नहीं होगी, और इस बार जो ये परीक्षा कल होने वाली थी उसमें लाइव सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर में होने वाली थी परीक्षा, ताकि कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत पकड़ लिया जाए। लेकिन गड़बड़ी तो छोड़िए, यहाँ तो पहले ही पेपर लीक हो गया, कितनी बड़ी बात ये है। देखिए, पेपर लीक होने की अगर आप बात करिए तो पेपर लीक होना कहीं ना कहीं जो ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है, बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत बड़ी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, और कई बार क्या होता है कि उस मशीनरी में कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पैसे के लालच में आके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। लेकिन सरकार उनको नकेल सकते हैं, सरकार उनको मतलब मौका नहीं दे रही है कि वो जो मेहनत करने वाले अच्छे योग्य व्यक्ति बच्चे हैं उनके साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ो, पाकिस्तान से कितना प्यार है बीजेपी का वो दिखता है, क्योंकि किसानों के लिए जहां विपक्ष गन्ना गन्ना कर रहा है वहां बीजेपी और आरएसएस जिन्ना जिन्ना कर रही है। देखिए, पाकिस्तान से कितना प्रेम है ये तो पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस देश के अंदर जो पाकिस्तान की रोटियों पे अपनी राजनीति सेक रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान से फंडिंग लेके, चाइना से फंडिंग लेके कौन इस देश को जलाने की कोशिश करता है पूरा देश जानता है। और रही बात भाजपा के पाकिस्तान के प्रेम की, तो भाजपा या भारतीय जनता पार्टी तो इतना पाकिस्तान से प्रेम करती है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस सरकार ने दो बार करके दिखाया,
और इमरान खान की क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 7.5 साल में एक भी कहीं भी बम ब्लास्ट नहीं है। अगर ये प्रेम होता तो ऐसा नहीं होता। प्रेम वो करते थे जो मुंबई हमला होता था, छिपके बैठ जाते थे और मीटिंग में कहते थे वो मैडम कह रही है उनके पास परमाणु बम है। अरे परमाणु बम है तो क्या अपने देश के साथ खिलवाड़ करेंगे? परमाणु बम अभी थे लेकिन अपने कार्रवाई करके दिखाई, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की क्या उठा के देख ले। इसलिए किसको के साथ प्रेम है किसके साथ नहीं है, ये पूरा देश बहुत अच्छे से जाता है, पूरा देश जी के साथ खड़ा है जो देश की बात करता है। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन देखिए एक बात और यहाँ पर जानना चाहूंगी, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, देखिए जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन फिर क्यों इस तरह के बयान सामने आते हैं? कोई जिन्ना को लेकर बात करता है, कोई पाकिस्तान के प्रेम को लेकर बात करता है, चुनाव से पहले ये सब मुद्दे क्यों उठने लगते हैं? देखिए कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो अपने जो काम किया है उसके बारे में बात करती है और विपक्ष का काम होता है जहाँ पे सरकार से चूकने हुए मुद्दों को उठाए। लेकिन यहाँ विपक्ष तुष्टिकरण में इतना डूब गया है, कि वो सत्ता पक्ष के विकास की बातों के बारे में उन पर टिप्पणी कर ही नहीं पा रहा है। उसको मौका ही नहीं मिल रहा है कि कहीं जितनी भी उत्तर प्रदेश सरकार की या भाजपा सरकार की जितनी भी खामियां रही उनको गिना पाए। तो मजबूरी है उसकी तुष्टिकरण करना, मजबूरी है उसकी जिन्ना का नाम लेना, मजबूरी है उसकी इस तरह की बातें करना। और रही बात जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो तुष्टिकरण के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य खत्म करने की ओर जा रहे हैं। कांग्रेस ने यही गलती की थी, पूरा देश कांग्रेस का असर देख रहा है, वही अब गलती कहीं ना कहीं जिन्ना का नाम लेने वाले भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे सरकार में आई, तो हमने विकास विकास केंद्र में भी 7.5 साल में किया है और कर रहे हैं, और यूपी में भी पिछले 5 साल में यूपी की हमने तस्वीर बदली है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए विपक्ष के पास धार्मिक उन्माद भड़काने के अलावा, जानबूझ के मुद्दों को डाइवर्ट करने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। चलिए ठीक है संदीप जी, मान लेते हैं आपकी बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब बयानबाजी काफी विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हो चुकी है। ओवैसी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि पेपर जिस तरह से यूपी टीटी का लीक हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान प्रेम किस तरह से बीजेपी का है इसको लेकर भी ओवैसी ने कहा है, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी का कहना है कि हम तो किसानों के लिए गन्ना गन्ना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जिन्ना जिन्ना कह रही है।